देखो रंजीत सर आ रहे हैं, रंजीत सर को गुड इवनिंग बोल रहे जिम खुला है, वीडियो बना रहे थे। नहीं ना, आपका भी वीडियो में आ गए। तो दोस्तों चलो चलते हैं आज जिम। आज मैं आपको जिम दिखाता हूँ। कल आप लोगों ने देखा था कॉलेज को, और आज हम लोग जिम करते हैं। ये है मेरा हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 13। और अब तो चलते हैं आज। हे टुडो, हाय। और मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो उधर, देखो उधर है एक छोटू, जहाँ पे वही आप आ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा मिलता है, और आपको अगर फूकना है तो भी वहाँ फूक सकते हो। एक साल से काफी बंद था, तो वहाँ पे सब पुराना पुराना माल है। और एक चीज ये है, हॉस्टल 12 के पीछे हॉस्टल 10, और उसके बाद ये है हॉस्टल 5। तो यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि सीधा ही चलना सकते हैं। और जिम जाना है, और जिम जाना है। देखो कैमरा मैन, कैमरा कर रहे हो तो अपना भी ख्याल रखो। मैं तुम्हारा हर बार ख्याल नहीं रखता। और एक चीज मैं क्या बोल रहा था, हाँ बोल रहा था कि हॉस्टल 13 से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने में हमको लगता है 10 मिनट तक का टाइम लगता होगा, 10-15। और यहाँ पे देख सकते हैं घर है, इधर तो शांत माहौल है। और कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, जैसा कि तुम देख सकते हो सूरज कितना ही खूबसूरत है। और चलो तब चलते हैं, बस बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्टल 6 और 5 के बीच का रास्ता। पीछे 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 देखना, गाड़ी आ रहा प्रियांक सर। अरे वो प्रियांक सर। तो देखो गाइस, हमारे पास दो रास्ते, एक तो टेक्नो तरफ से जाने का, और एक तो अपन लोग अभी टेक्नो तरफ से जाएंगे इधर से। चलो चलते हैं। देखो गाइस, बात ऐसा है कि अभी कोरोना के बाद एक साल बाद खुला है, तो यहाँ पे काफी कम स्टूडेंट है। अभी बस हम लोग 4th ईयर वाले लोग हैं, तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी शांति है और काफ़ी खाली इलाका है। तो पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बहुत कुछ है, फिलहाल तो आखिरी के कुछ दिन बस बचे हैं, तो उसी का मैं आनंद ले रहा हूँ। ये मन ही मन मुस्करा रहे हैं, मिलाने की किसी याद में खोए हुए हैं। और अपन लोग अभी पहुंच गए हैं टेक्नो। देखो ये आईसी के बाद सबसे अच्छा जगह है, जहाँ पे तुम लोग को खाना मिल सकता है। यहाँ पे तुम लोग नॉन वेज, वेज, चिकन, चाइनीज वगैरह सब खा सकते हो, जितने भी स्ट्रीट फूड है खा सकते हो। देखो ये है H6, पीछे जो दिख रहा है ये H6 है, और H7 है आगे। तो जब मैं H7 में था लास्ट ईयर, मतलब 2nd ईयर, तब मैंने काफ़ी यहाँ पे खाया हुआ था, मतलब मेरा पैसा काफ़ी खर्च हो जाता था। तो देख लो, तुम लोग जो भी जूनियर्स आने वाले हो, 8-7 में जो रुकोगे उसका तो भाई बहुत खर्चा होने वाला है।
ना चाहते भी हुए भी ये हो जाता है। अब अपन लोग आ गए हैं टेक्नो, यहाँ पे कुछ स्टेशनरी दुकान है और कुछ खाने का है। तो फिलहाल तो ये काफी खाली है, लेकिन अब देखिए। H6 और ये है H7 और उसके बीच का रास्ता ये है। देखो और एक बात मैं बताता हूँ H7 के बारे में, अगर तुम्हें H7 मिलता है ना तो मेन बिल्डिंग आना जाना बहुत दिक्कत होगा गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी थक जाता था आके तुरंत खा के जाना, काफ़ी दूर है ये। H7 जिसको मिलता है भाई वो साइकिल जरूर रख लेना अपने साथ, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। तो ये H6 H7, देखो H6 और H7 ना एक दूसरे का एकदम जेरोक्स कॉपी है, क्योंकि दोनों हॉस्टल सेम है, एकदम डिट्टो। H6 में मेरे दोस्त रहते थे तो वहाँ भी काफ़ी मेरी यादें हैं, और यहाँ पे हम लोग बस और कुछ ही कदमों से दूर हैं हम अपने लक्ष्य की ओर, मतलब जिम, मल्टी जिम। ये अब मेरे सीधे में है पूजिया ग्राउंड। देखो गाइस, पूजिया ग्राउंड भी अपने आप में बहुत ही खास चीज है, क्योंकि सबसे पहला पार्टी हमारा यही हुआ था, यही पूजिया ग्राउंड में, यही पर डीजे हुआ। तो आप लोग अभी देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है VIT का। तो देखो यारो, यहाँ पे एक बस स्टैंड भी बन गया है, यहाँ पे एक बस स्टैंड बन गया है, पहले नहीं था जब मैं फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। लाड भैया जिम खुला है, तो देखो यारो मास्क पहन लेते हैं, और गार्ड भैया ने बोल दिया है जिम खुला हुआ है, तो अब सीधा जिम की तरफ। जिम देखो आज ही खुला है, कल परसों और नरसों शायद बंद रहेगा होली का। तो देखो रंजीत सर आ रहे हैं, रंजीत सर को गुड इवनिंग बोलो। वीडियो बना रहे वीडियो में आ गए तो रंजीत सर यहाँ पे स्माइल करते हुए। अब रंजीत सर है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। देखो यार तुम लोग अगर आओगे पीटी गेम्स में ना, रंजीत सर और दुर्गा सर को अपना एकदम मुट्ठी में कर लेना, सर सर बात करके, भैया भैया बात करके, सर बोलना सर भैया में, बस हो जाएगा। तो देखो वो बता चुके हैं, देखो वहाँ तो आगे चलते हैं। देखो ये है बैडमिंटन कोर्ट, और बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर ही अपना जिम। बैडमिंटन कोर्ट अभी खुला होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, नहीं तो मेन हमारा। तो देखो यार मैं पहुंच गया हूँ, अब यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज निभानी है, वो मैं निभा लेता हूँ। अब चलते हैं ऊपर। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Yeah.
that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. We'll be right back.